अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोग जो है लास्ट जो हमारा वीक था उसमें कुछ हमने डिस्कस किया था कुछ कोर्स की जो है ना कॉन्टैक्ट्स वगैरह। तो आज जो है थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस करते चलूँगा जो PLOs हैं हमारे इंजीनियरिंग के अंदर, उसकी जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमने जो भी कोर्स पढ़ते हैं उसका जो एक CLO होता है वो आपके PLO से मैप हो रहा होता है। ये अक्सर PCVs में भी जो है ना वो पूछा जाता है, इस वजह से मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज PLOs। तो PLOs हमारे पास सबसे पहले PLO 1 जो है इंजीनियरिंग नॉलेज है, इसमें हमारे पास एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, साइंस, इंजीनियरिंग, फंडामेंटल ऑफ इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन टू सॉल्यूशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। तो हमारे पास जितने भी कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपको एक बेसिक नॉलेज चाहिए होता है, जो कि मैथमेटिक्स के फॉर्म में, साइंस के फॉर्म में, इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स और इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन के फॉर्म में जो है ना हमारे पास। उसके बाद जो सेकंड PLO है हमारे पास वो प्रॉब्लम एनालिसिस है। प्रॉब्लम एनालिसिस में आपके पास क्या क्या एबिलिटी टू आइडेंटिफाई, फॉर्मुलेट रिसर्च लिटरेचर, एनालाइज कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, टीचिंग स्टेट कंक्लूजन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स एज ऑफ साइंस इंजीनियरिंग साइंस। तो आपने क्या करना है कि आपके पास जो एक एनालाइज करने का जो एक आपके पास स्किल है वो भी जो है ना आपने अपनी जो थ्रू इंजीनियरिंग जो आपकी बीएससी इंजीनियरिंग है उसके ज़रिए से जो है ना आपने इसको जो है ना लेना है। आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, आपको इसका एनालिस करना है, तो किस तरह पर जो है ना उसकी, फिर जो है ना जो हमारा थर्ड PLO है वो जो है ना उसमें आपको डिज़ाइन जो है ना होता है कि डेवलपमेंट ऑफ सोल्यूशन है, कि आप जो है ना सोल्यूशन जो है ना उसको करते हैं, कि आप जो एक कोई भी प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल आपने जो है ना वो एक आपके पास शहर सिटी दरमियान में कोई नहर बह रही है, तो आपने एक सड़क से दूसरी सड़क पे जाना है, तो एक जो है ना आपके पास एक प्रॉब्लम है, तो उसमें प्रॉब्लम के लिए फिर आप जो है ना एक डिज़ाइन करते हैं कि भाई इसमें जो है ना वो जो है ना एक थ्रू जो है ना बोर्ड्स या थ्रू जो है ना आप ब्रिजेस जो है ना इसको किस तरह एक सोल्यूशन प्रपोज करते हैं। तो एक डेवलपमेंट एक सोल्यूशन है कि भाई ये सोल्यूशन जो है ना इसमें हमारे पास हो सकता है। तो ये आगे बाद जो है जो आपने जितने भी जब आप एक इंडस्ट्री में जाते हैं या जो है जब आप एक किसी भी जो है ना फॉर्म में जाएंगे तो उसमें कोई ना कोई जो है ना प्रॉब्लम्स आती हैं, किसी का जो ना कोई जो है ना किसी में क्या प्रॉब्लम है, किसी में किसी तरह की जब डिज़ाइन की बात करते हैं तो उसमें जो ना आपने जो है ना चीज़ों का एनालाइज करके उसमें प्रॉब्लम एनालिसिस करके उसके बाद कोई सोल्यूशन प्रपोज करना होता है। तो उसमें जो है ना कुछ चीज़ें देखनी होती हैं, जिसमें जैसे पब्लिक हेल्थ है, सेफ्टी है, कल्चरल सोसाइटिकल इन्वायरमेंटल सिचुएशन को भी देखना होता है, कि आप जो है ना ये भी देखेंगे आपके पास जो कोई भी जो है ना आपने सोल्यूशन प्रपोज किया वो ऐसा ना हो कि जो है ना वो जो है ना उसमें सेफ्टी की फीचर्स हैं या पब्लिक हेल्थ है, इससे ना इन्वायरमेंट मुतासर हो, मतलब आपने कुछ चीज़ ऐसी डिज़ाइन कर ली, कोई आपने जो फॉर एग्जांपल आपने एक इंजन डिज़ाइन कर लिया वो बहुत ज़्यादा है तो फ्यूल एफिशिएंट, लेकिन क्या है कि वो बहुत ज़्यादा आपको जो है ना वो धुआं दे रहा है या इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है, तो उस सॉल्यूशन को भी जो है ना आपने जो है ना उसकी जो डेवलपमेंट ऑफ सॉल्यूशन है उस चीज़ को भी थोड़ा, इन चीज़ों को भी जो है ना जो आपके पास पॉइंट्स हैं इनको देखना होगा, इन्वायरमेंटल जो कंसिडरेशन है उसको भी थोड़ा सा हमें देखना होगा। उसके बाद आपका PLO 4 है इन्वेस्टिगेशन का। तो इन्वेस्टिगेशन में क्या करना है कि आप अपने एबिलिटी टू इन्वेस्टिगेट कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, तो आपने कोई भी कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है कोई भी बना हो सकता है कि आपके पास जो है ना हो सकता है कि आपने इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जो है ना एक कार डिज़ाइन करनी है या कोई भी इस तरह का सोल्यूशन जो है ना कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है, तो उसमें जो है ना आपने इन्वेस्टिगेशन जब आप इंजीनियरिंग जो है ना जब ग्रेजुएट हो जाएंगे तो उसमें जो है ना ये चीज़ भी आपके पास जो है ना वो होनी चाहिए कि आप जो है ना वो एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करके, एनालिसिस करके, इंटरप्रेशन करके, उसमें जो है ना वो एक्सपेरिमेंटल डेटा एक्सट्रैक्ट करके आप जो है ना एक वैलिड जो है ना वो कंक्लूजन जो है ना दे सकें। ठीक है, तो ये भी आपका जो है एक इसका हिस्सा है, इंजीनियरिंग का हिस्सा है आपके पास। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मॉडर्न टूल यूसेज। जब हम बात करते हैं कि जब भी हम किसी चीज़ की बात करते हैं, इसमें फॉर एग्जाम्पल जो है ना लेटेस्ट आपका जो जो हमारा
मॉडर्न एरा है, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, पहले चीज़ें कैलकुलेट नहीं होती थी, या जो है ना उसको ज़्यादा तो हमें जो है ना वो मैनुअली चीज़ें करनी पड़ती थी, क्योंकि अब ये मॉडर्न एरा में कंप्यूटर की यूजेज आ गई है, आपके स्मार्टफोन की यूजेज आ गई है, आई टूल की यूजेज आ गई है, तो इसमें आपने अपनी ये भी जो है ना वो देखना है कि आपके पास जो है ना ये एबिलिटी भी होनी चाहिए कि आप जो मॉडर्न टूल यूजेज टेक्निक्स हैं उसको जो है ना आप यूटिलाइज कर सकें, जैसे कि आपके पास कैड सॉफ्टवेयर आ गए हैं और जो है ना आपके पास ड्राइंग के टूल्स हैं, तो आप उसको यूज करते हुए जो है ना अपनी जो ना स्किल्स को एनहेंस करें, और आप जो जो एक किसी भी आप उसमें जाते हैं फर्म में, तो उसमें जो ना आप मॉडर्न टूल यूजेस के थ्रू जो है ना अपनी जो जो अंडरस्टैंडिंग्स हैं या जो इंजीनियरिंग एक्टिविटीज हैं उसको जो है ना आप मॉडल करें, या इनको जो है ना जितनी भी मतलब आप उसमें कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग आप हो सकती है मॉडल टूल यूजेज में, आपके पास मैथमेटिकल जो है ना सोल्यूशन जो है ना जो है ना डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं उनको आप उसके थ्रू आप यूज़ करते हुए आप जो है ना चीज़ को जो है ना वो हल कर सकें, तो ये भी एक एबिलिटी है जो आपके पास जब एज अ ग्रेजुएट हो आप हों तो आपके पास ये चीज़ ये फीचर भी होना चाहिए। उसके बाद जो हमारे पास PL06 है इंजीनियर्स एंड सोसाइटीज जो है ना, इसमें भी जो है ना आपके पास जो चीज़ इंक्लूड है कि आप जो है ना आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए, तो इसमें आप जो है ना वो रीजनिंग इन्फॉर्म्ड बाय कॉन्टेक्स्टुअल नॉलेज प्रोसेस सोशल सोसाइटी हेल्थ सेफ्टी लीगल एंड कल्चरल इश्यूज कंसिक्वेंट प्रैक्टिस सॉल्यूशन डेवलपमेंट प्रॉब्लम। उसमें ये है ना कि जी आप लोग जो है ना वो जब आपके पास ग्रेजुएट हो तो आपके पास इतनी भी जो है ना ये भी एबिलिटी होनी चाहिए कि जब आप एक इंजीनियरिंग की जो सोसाइटी है या जो आपके पास प्रोफेशनल इंजीनियरिंग प्रैक्टिस है उसमें जो है ना आप जब हो तो उसमें जो है ना आप उसको कम्पीट कर सकें, उन लोगों के पास जो नॉलेज है या उनके पास जो एक जो इश्यूज को सॉल्व करने का एक जो एक आपके पास डिफरेंट जो टूल्स हैं वो यूज करें, तो आप भी जो है ना इसमें जो है ना वो जो आपके पास कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स आते हैं उसको जो है ना उसको जो है ना सॉल्व कर सकें, तो आप जो है ना इस जो है ना वो जो आपकी सोसाइटी में या जो जो हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जिसको हम देखते हैं, हेल्थ है, सेफ्टी है, लीगल कल्चरल इशूज हैं, तो उनको भी देखना आप, ठीक है। तो उसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो येलो है वो आपका एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी के ऊपर है। जब भी आप कोई भी सोल्यूशन जो है ना प्रपोज करते हैं उसमें जो है ना आपने इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट को भी जो है ना वो देखना है, उसमें जो जो आपको इन्वायरमेंट है उसको भी सेफ करना है, उसमें जो है ना आप ऐसे जो है ना सोल्यूशन देंगे जो सस्टेनेबल जो है ना उसकी तरफ जाएगा, मतलब उसको जो है ना ये ना हो कि आपने जो है ना कोई ऐसी चीज़ डिज़ाइन कर दी जो मजीद जो है ना इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है, तो ये चीज़ों से थोड़ा बचना है आपने। आपने हमेशा ऐसा डिज़ाइन जो है ना प्रपोज करना है, कोशिश ये करनी है कि जो आपको जो इन्वायरमेंट है या आपकी जो जो सस्टेनेबिलिटी है उस पर जो है ना वो जो है ना उसको सेव कर सके इन्वायरमेंट को, तो ये बड़े एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इससे बहुत ज़्यादा वर्किंग हो रही है दुनिया में जो है आपके पास जो है इस चीज़ को वो देखा जाता है कि भाई किस तरह जो ना जो इन्वायरमेंटल को सेव कर लें, और जो ना जिंदगी अब जो कन्वर्ट हो रही है अगर आप देखें वो इसी चीज़ के जो ना बेसिक्स होती है इसके पीछे, किस तरह जो ना इन्वायरमेंट को हमें सेव करना है। उसके बाद जो ना वो एक अहम एथिक्स का जो है ना ये लोग आपके पास कि आप जो है ना वो आपके पास प्रोफेशनल एथिक्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो भी जो है ना आपके पास होनी चाहिए कि आप जो है ना वो एक इन्वायरमेंटल एक इन्वायरमेंट में जो सस्टेन कर सकें, उसको जो है ना आप जो है ना वो एथिकल जो है ना बिहेव कर सकें, कि आप जो है ना वो आपके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती हैं या आपके पास डिफरेंट जो है ना वो जो है ना आपको कोई चार्ज दिया जाता है तो उसको आप प्रोफेशनली और जो है ना एथिकली उसको जो है ना आप जो ना चला सके, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पिलर है वन ऑफ द योर जो आपकी जो 12 PLOs हैं जो 12 आपके पिलर हैं इंजीनियरिंग के। उसके बाद जो है ना 9th PLO वो आपके पास इंडिविजुअल टीम वर्क का है, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं हर जो है ना कोर्स के शुरू में थोड़ा सा ना PLO के रिविजन करवाता हूँ हर स्टूडेंट के साथ, ताकि जो है ना आपको
जो एक पता हो गया हम जो है ना जो करने जा रहे हैं और किस तरह है, फिर जो है ना पलना ये ना कहें कि अक्सर बच्चे जो है ना वो हमारे यही कहते हैं जब हम विजिट आता है पाकिस्तान मौसम का, तो हमें तो पता ही नहीं चीज़ों का, इसलिए जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी जो है ना इसको अच्छी तरह एक दफ़ा याद करने की जरूरत नहीं है कि एक दफ़ा ये है कि आप इनको ये लोग रिवाइज कर लें तो आपको पता होना चाहिए जो आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं BS मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो वो किस जो है ना किस चीज़ बेस कर रही है और किस किस जो है ना वो किस आपने क्या क्या चीज़ अचीव करके जो है ना ग्रेजुएट होना है। तो ये इस वजह से मैं जो है ना हर जो है सब्जेक्ट में कोशिश करता हूँ कि जो है ना शुरू में आपको जो है ना जब कोर्स कंप्लीट के बाद वो पढ़ाएं, ताकि वो जो है ना आपकी जो पूरा इंजीनियरिंग की जो बेस है वो इसी चीज़ के ऊपर है। तो अब एक जो 9th PLO है वो बेसिकली डिविजनल टीम वर्क के ऊपर है, कि इसमें क्या है कि आप एनएबिलिटी आपके पास नहीं, एबिलिटी होनी चाहिए कि आप जो है ना इफेक्टिवली जो है ना वो डिवीजन में और जो है टीम जो है ना उसमें आप काम कर सकें। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स होते हैं ये जो है मुख्तलिफ जो है ना वो आपको टास्क मिलते हैं इंडस्ट्री के अंदर, इसीलिए इस चीज़ की प्रैक्टिस कराई जाती है कि जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे तो उसमें भी जो है ना आपको जो है ना वो इस तरह के टास्क मिलेंगे, इस तरह की जो है ना असाइनमेंट्स होंगी कि जिसमें आपने या तो खुद अकेले जो है ना उसको में काम करना होगा या आपने जो है ना वो एज ए टीम वर्क करने से काम करना होगा। तो इस वजह से जो है ना छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट असाइन किए जाते हैं, इस जो आपके सब्जेक्ट में भी मैंने आपको एक जो है ना वो मैंने कहा कि मैं आपसे सब्जेक्ट करवाऊँगा छोटा छोटा सा, तो उसमें भी जो है ना हम इसी PLO को अचीव करेंगे जिसमें जो है ना हम जो है ना मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट जो है ना आपका होगा एज ए टीम जो है ना हम काम करेंगे, उसमें पाँच चार पाँच मेंबर्स होंगे, तो इस वजह से जो है ना वो यही जो है ना आपका PLO जो है ना इसमें मैप हो रहा है इसके अंदर। तो क्योंकि हम टीम वर्क में जो है ना थोड़ा सा काम करेंगे प्रोजेक्ट के ऊपर, इसलिए जो है ना आपने जो है ना वो प्रोजेक्ट सबमिशन में आपकी जो आपका टर्म प्रोजेक्ट होता है उसमें जो है ना उसी चीज़ की प्रैक्टिस कराई जाती है जब आप ग्रेजुएट होते हैं या जब आप जो है ना वो किसी भी फर्म में जाते हैं, तो उसमें जो है ना ये चीज़ें जो है ना आपको आनी चाहिए कि भाई आपने टीम वर्क कैसे करना है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि हर बंदा जो है ना वो काम करने वाला नहीं होता, कुछ काम करने वाले होते हैं, कुछ लेजी होते हैं, कुछ जो है ना वो किसी में कोई जो है ना वो जो है ना क्वालिटी होती है, किसी में कोई क्वालिटी होती है, तो आपने एज ए टीम जो है ना वो किस तरह जो है ना किसी की जो है ना वो कोई क्वालिटी है किस तरह आपने जो है ना उस क्वालिटी को यूज़ करना है। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी कि कोई भी बच्चा है उसमें एक क्वालिटी जो है ना वो आप स्किल देखें वो क्या, वो ज़्यादा जो है ना देखें कि वो बातें ज़्यादा करता है ये जो है उस तरह, उसको आपने पॉजिटिवली कैसे यूज़ करना है, उसको ज़्यादा आपने ऐसे टास्क देना है कि वो जिसमें मार्केटिंग का काम ज़्यादा है या इस तरह की चीज़ है, तो वो उसी जो है ना फील्ड से उसी उसी क्वालिटी को आप पॉजिटिवली यूज़ करें। ये एज अ जो आपका जो लीडर होता है टीम लीडर उसका ये जो है ना काम होता है। तो बाद होता है जो है ना वो देर तक जो है ना जागते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, सुबह देर तक देर से उठते हैं, तो आपने उसी जो है ना क्वालिटी को भी यूज़ करते हैं उन्हीं बच्चों की या उन्हीं जो है ना एम्प्लॉयज़ की, वो ये करना है कि आपने जो है ना उसी जो देर तक जो है ना जागते हैं उन लोगों को जो है ना उन्हीं जो है ना उस चीज़ को यूज़ करते हुए आपने डीप जो है ना जो कि रात को ज़्यादा अच्छी वो पढ़ाई हो जाती है कि मतलब अकेले में होता है या जब, तो उसमें जो है ना डीपली जो है ना बंदा वो पढ़ सकता है, तो इसलिए जो डीप काम है वो आपने इस तरह से लेना है। तो हर बच्चे की जो है ना आपने इस तरह जो है ना वो जब आप काम करते हैं तो उसमें जो है ना आपके पास टीम वर्क होता है, तो फिर जो है ना एक जो चीज़ जो है ना वो एक जो है ना उसमें जो है ना आपकी समझ ले के एक जो है ना चीज़ वजूद में आती है, फिर जो है ना लोग जो है ना वो आपस में अच्छा काम करें। तो फिर उसके बाद जो है ना वो आपका कम्युनिकेशन का PLO है, तो आपका जो कम्युनिकेशन का PLO है कि वो आप कि जब आप एज अ ग्रेजुएट हो तो आपके पास क्या है कि ये भी जो है ना वो होनी चाहिए कि आप जो है ना वो आप जो है ना दूसरे जो है ना लोगों के साथ कम्युनिकेट जो है ना इफेक्टिवली उसके साथ कर सकें ओरली एज वेल एज इन राइटिंग। मतलब इसमें यह है कि ना जो कम्युनिकेशन है वो सिर्फ ये नहीं है कि आप कम्युनिकेट जो है ना वो आपस में एक दूसरे के साथ बोल कर सकता है, बल्कि कम्युनिकेशन ये भी है कि आप जो है ना कोई फॉर एग्जाम्पल आपने जो है ना वो एक ड्राइंग बनाई है, आपने एक जो है ना वो बनाया कि भाई मैं जो है ना इसको जो है ना वो कोई भी एक
सिस्टम आपने जो है ना वो दिया है कि मैं जो ना इसको इस तरह लेके चलूंगा चीज को, तो उसको जो ना बड़ा एक अच्छा जो ना आप प्रेजेंट करते हैं जो ना इसमें जो ना ड्राइंग की फॉर्म में जो ना आप करते हैं, तो उससे ये होता है कि जो नया आने वाला बंदा है, नया आने वाले बंदे के लिए जो ना आसानी हो जाती है कि वो जब एक दफ़ा एक पेज पे सारी चीज़ देखते हैं, तो वो आपकी जितनी भी वर्किंग, आपने 4 घंटे 5 घंटे कोई वर्किंग की है, कोई भी बहुत सारी 2 दिन लगा के 10 दिन लगा के, तो वो एक पेज को देख के ही वो आपकी सारी की सारी जो ना वो आपकी जितनी भी जो एक आपने वर्किंग की होती है वो इफेक्टिवली जो ना उसको आपको कम्युनिकेट कर देते हैं। तो जो ना इस तरह जो ना आपने आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो भी जो ना इन्हेंस हो, तो उसके लिए जो ना ये जो ना आपके पास ये भी क्वालिटी होनी चाहिए, आप अपने इफेक्टिव उसमें रिपोर्ट्स जो ना उसको लिख सकें और जो ना डॉक्यूमेंटेशन कर सकें, मेक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन जो ना उसको कर सकें, और जो ना ये सारी क्वालिटी जो ना कम्युनिकेशन के अंदर है कि आप जो ना कम्युनिकेट जो ना एज अ डॉक्यूमेंटेशन में भी आपको जो ना वो होना चाहिए, जितनी भी आपसे जो ना वो प्रैक्टिस कराई जाती है रिपोर्ट लिखवाने की रिपोर्ट या जितनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती हैं, वो भी इसी जो है ना आपकी क्वालिटी डेवलप करने के लिए। तो उसके बाद जो है ना वो आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी जो है ना वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो है ना वो आपका स्किल है, कि आप जो है ना आपके पास मैनेजमेंट स्किल्स जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है, जिसमें जो ना आप इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को जो है ना वो जो ना आप किसी को चीज़ को एग्जीक्यूट कर रहे हैं एज ए लीडर बात करते हैं या एज ए मेंबर, तो उसमें जो ना आपको मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, तो इन प्रोजेक्ट को जो ना आप कोशिश करके जो ना वो डील कर सकें या जो ना उनको जो ना वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सकें, तो ये आपकी जो ना वो स्किल है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो ना आप सीखते हैं। उसके बाद जो ना लाइफ लॉन्ग लर्निंग है कि आप जो ना आपके पास एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज लॉन्ग लाइफ, मतलब इसमें ये है कि आप जो है ना वो इन शॉर्ट जो है ना मतलब आपके पास जो टेक्नोलॉजिकल या जो आपके पास इंजीनियरिंग नॉलेज जो स्किल्स हैं इनोवेशन के, वो आपके लाइफ मतलब आप पूरी लाइफ में जो है ना उसको जो है ना इम्प्लीमेंट कर सकें, जहाँ भी जाएँ आप जो है ना उसको थोड़ा सा एग्जीक्यूट कर सकें, तो ये सारी की सारी जो है ना वो आपकी इसी चीज़ में जो है ना वो आती हैं। ठीक है, तो आप ये आगे जो है ना 12 PLO से आपने अच्छी तरह इसको एक दफ़ा पढ़ लेना है, और उसको जो है ना अच्छी तरह अपने जो है ना वो अपने जहन नशीन कर लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब ग्रेजुएट होंगे तो ग्रेजुएशन के बाद जो है ना आपको पता चाहिए कि मैं इन बेसिस पे जो है ना ग्रेजुएट हूँ, ये जो है ना आपकी जो है डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो है ना ट्रीट करते हैं हम लोग। तो अब हमने जो है ना बताया कि अगर हम मैप की मैपिंग की बात करें, तो इसमें जो है ना वो आपने क्या करना है कि जो आपके जो दोस्त की एलओज हैं हमारे सब्जेक्ट के, तो उसमें जो है ना हम प्रॉब्लम एनालिसिस, मैंने बताया कि हमारे जो CLO में 4 हैं वो प्रॉब्लम एनालिसिस के ऊपर है, कि इसमें आगे बाद जो है ना वो जो ना जो अपने इनिशियली जो हमने देखा था CLO 1, कि आपने देखा था डिस्क्राइब एंड अप्लाई द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड सेट यू फॉर डेटा रिकमेंडेशन एंड सैंपलिंग, तो इसमें क्या हो रहा है कि आप जो है ना वो बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स के, वो आप जो ना डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं उसकी सैम्पलिंग कर रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या है कि आपका जो है ना एक प्रॉब्लम है उसकी जो है ना एनालिसिस उसकी जो है ना हम करने जा रहे हैं। उसी तरह आप जो है ना सेकंड जो आपके पास वो है यूज प्रोबेबिलिटी थ्योरी टू एनालाइज डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग इन फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम, मतलब आप जो है ना वो थ्योरी को जो है ना प्रोबेबिलिटी थ्योरी को यूज करते हुए डाटा को अगेन जो ना डिसीजन मेकिंग में यूज करते हैं सॉल्विंग प्रॉब्लम्स को, तो ये अगेन जो है ना आपकी जो है ना वो प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्विंग में जो है ना वो लाइक करता है, इसको जो है मैप करते हैं। ठीक है, तो ये जो 2 PLOs हैं आपके सॉरी CLOs जो है ना वो इस तरह मैप हो रहे हैं, और जो थर्ड जो है ना CLO है वो आपने बताया था प्रोजेक्ट वाला था, जो आप एक ट्रम प्रोजेक्ट देंगे सब्जेक्ट में छोटा सा प्रोजेक्ट होगा मैं आपसे बताऊँगा इसमें, तो इसमें जो ना इसके थ्रू जो ना आप डिविजनल टीम वर्क का जो है ना वो PLO अचीव कर सकेंगे। तो अब ये जो है ना आपकी इससे जो ना वो 2 PLO जो है ना वो इस सब्जेक्ट के पास करने पे, तो आपके 2 PLO जो है वो पास होंगे। इसी तरह जो ना आपके पास ये मैपिंग जो है ना वो आपको हर सब्जेक्ट के साथ चलती है, और जो ना वो जब आप हर सब्जेक्ट के साथ इसको
को जो है ना वो लेके चलते हैं। तो इसमें जो है ना आपके पास इन दी एंड जो ना जब आपको एक ट्रांसक्रिप्ट मिलती है तो उसमें इस तरह जो ना इस फॉर्म में भी जो ना आपको, क्योंकि अब आपके पास OBC बेस सिस्टम जो ना वो आ रहा है ज़्यादा, तो इसमें जो ना आपको इसमें जो ना आपको पोस्ट ग्रेजुएशन जो ना वो इस तरह का जो ना आपके पास डाटा आएगा कि आपने जो ना कौन सब्जेक्ट के साथ कौन सा जो ना वो CLO जो ना वो मैप किया है, और फिर जो ना आपने कौन सा CLO अचीव कर लिया आपने, ठीक है। तो ये एक जो ना आपके पास इस तरह जो ना वो एक सिलसिला चलेगा जिसमें इस तरह जैसे आपके कोई भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के थ्रू जो ना वो आपने किस तरह जो ना कौन कौन से जो ना वो सेमेस्टर वन में PLO मैप कर लिए, कौन कौन से जो ना वो जो ना नहीं किए, कोई कौन कौन से रह गए आपके पास, तो एक एक जो ना वो इन दी एंड जो ना वो आपके पास एक शीट बनती है। तो उस शीट के थ्रू जो ना फिर आप इसमें जो ना वो सारा का सारा जो CLO PLO मैपिंग है वो आप बदल देते हैं, आपने कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं और आपने कौन कौन से करनी है। तो हम जो ना वो ये कि बाकी जो नेक्स्ट है हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है। तो लेक्चर तक लीजिए, अल्लाह।